और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है बहराइच से, जहां पर एक महिला टीचर के साथ कुछ शोहदों ने, कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर बहराइच से मिल रही है और टीचर के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बाइक सवार बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना रिसिया क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर मिल रही है बहराइच से, महिला टीचर से छेड़छाड़ की है कुछ शोहदों ने। हालांकि इस महिला टीचर की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना रिसिया क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बहराइच से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी कड़ी में यह घटना सामने आ रही है बहराइच से, जहां पर एक बार फिर से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। आपको बता दें, महिला टीचर के साथ कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ की है। हालांकि शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बाइक सवार बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस बार फिलहाल इन घटनाओं में अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। बहराइच से बड़ी खबर मिल रही है, महिला टीचर के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है इन बदमाशों ने। हालांकि इन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब फिलहाल ये देखने वाली बात है कि आखिर इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इन बदमाशों को फिलहाल पकड़ लिया गया है और पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना रिसिया क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ऐसे वसीम जुड़ चुके हैं संवाददाता इस खबर पे। वसीम, क्या जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये शिक्षिका जो कल अपने स्कूल से लौटकर अपने घर जा रहे थे, रास्ते में सिकाना जोत के पास एक नहर है, वहाँ तो महिला को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया है और पुलिस ने विवेचना चालू कर दी है, एक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए, फिलहाल एक मौके से फरार हो गया है और एक की गिरफ्त में आ सका है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।